चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट आपका फिर से। आज का जो चैप्टर है वो आज का हमारा चैप्टर है रेलगाड़ी। आपसे फिर से वही बात करूंगा कि एक बार सब लोग लिंक को शेयर कर दें, स्टेटस लगा दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए, ठीक है। और आई होप कि आप सब करेंगे क्योंकि आप सब बड़े प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। चलिए तो आज का चैप्टर है रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी कोई अच्छा चैप्टर नहीं है, चौथा चैप्टर अब हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं रेलवे, या आप इसी को ट्रेन नाम से भी चैप्टर पाओगे, है ना। और हम देहाती लोग इसे रेलगाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। और हिंदी में जाओगे तो लौह पथ गामिनी कहा जाता है, लोहे के पथ पर चलने वाली लौह पथ गामिनी, और जहां पर रुकती है भर भग अड्डा क्या नाम है प्लेटफार्म हो भाई। चलिए हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आज हम लोग गुड आफ्टरनून भाई सबको, सबको गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। चलो देखो आज रेलगाड़ी के में हम लोगों को ये समझ लीजिए कोई नया चैप्टर नहीं है, ये जो आपने स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ी है वही वाली है ये चैप्टर पूरा पूरा, कोई नई बात इसमें नहीं कही जाएगी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने रहेंगे, इसमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने रहेंगे। कौन सा? पहला कॉन्सेप्ट ये होगा, कॉन्सेप्ट नंबर वन अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट नंबर वन अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट नंबर वन ये होगा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे या पेड़ या आदमी को पार करे, ठीक। एक कॉन्सेप्ट ये है और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर टू क्या है जरा देखें। जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी पुल, सुरंग, किसी पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे तब क्या कंडीशन होगी। ये दो कंडीशंस आपके सामने रहेंगी जो हम सबको सीखनी रहेंगी। आइए जरा सीखते हैं, ये एक्चुअली है सापेक्ष चाल जैसा ही। देखो मेरे भैया, जैसे मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, ये कोई रेलगाड़ी है, VIP रेलगाड़ी है भारत की। और आप जानते हैं भारत में जिस दिन इतनी बढ़िया रेलगाड़ी चलने लगेगी उस दिन मजा आ जाएगा, लेकिन कभी चलेगी नहीं, हम लोग चलने नहीं देंगे, पत्थर मार देंगे, है ना। वंदे भारत चली, पत्थर मार तोड़ डाले, पूरी शोभा बिगड़ गई उसकी। तो हम लोग कलाकार तो है ही है। तो ये सपोज कि ये क्या है भैया, ट्रेन है, ये है कि नहीं है इस पे आपको विश्वास नहीं करना, बस इसे मानना है कि ये ट्रेन है। और नहीं मानोगे तो मौका मारोगे तुमको, ज्यादा दिमाग लगाओ, मान लो इसे ट्रेन है, मस्त एकदम ट्रेन है ना, और ये ट्रेन की पटरी है, ध्यान ही रहे। अब ये या तो किसी आदमी को पार करे, ये मान लो ये शिवम ठाकुर खड़े हैं बंबई जाने वाले, ऐसे मुस्कुराते हुए, या चाहे ये शिवम ठाकुर को पार करे, भाई लड़का लड़की कोई भी हो, भैंस पढ़िया कुछ कोई भी जानवर भी हो तो भी यही बात होगी, या किसी पेड़ को पार करें, ठीक है,
या किसी पेड़ को पार कर, या जो देखे होंगे ट्रेन के बगल में, ट्रेन की ट्रैक के बगल में खंभे लगे होते हैं लाइट वाले, यू वाले लाइट वाले, है ना, यू ये लाइट के खंभे जो लगे होते हैं, इनको पार करें। तो जो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। तो जो रेल द्वारा चली गई दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई की क्या होती है, ठीक है, अपने द्वारा मतलब ये रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर हम इस रेल के सापेक्ष इनकी मोटाई को देखें, इनकी लंबाई को देखें, तो नगण्य होता है। इनकी लंबाई क्या होती है? नगण्य होती है। इसीलिए इनको पार करने में जो चली गई दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही होती है, ठीक है। कोई पार करे तो अभी उसके आगे यहां पर लिख रहा हूं, तो रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। किसको किसको पार करेगा? अगर कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को, मैं लिख भी देता हूं नहीं तो तुम लोग जोकर समझ जाओगे, आदमी को, अब औरत नहीं लिख रहा हूं, तुम्हें सोचना औरत को नहीं, मतलब किसी भी मानव को, वृक्ष को मतलब पेड़ है ना, पेड़ को, या खंभा, अब ऐसी जो भी इतनी पतली टाइप की चीज होगी, कुछ भी हो, उसे पार करे तो उसकी दूरी को हम लोग नहीं मानते, केवल रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही वो दूरी तय करती है। क्लियर है बात? अब दूसरा देखो, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को, या पुल को, या सुरंग को, या प्लेटफार्म को पार करे तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक रेलगाड़ी बनाई, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी हो गई। अब मान लीजिए ये एक सुरंग है, ठीक है, ये एक सुरंग है, ये इधर एक प्लेटफार्म है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, एक नंबर का प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जंघई का, हमारे जंघई का प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल है, यहां पर हर रोज लाखों करोड़ों विदेशी आते रहते हैं, बस दिक्कत की बात यह है कि यहां पर पतरा छाया है, हैं? ये जंघई का प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि कोई और ट्रेन है, ये मान लीजिए एजे पैसेंजर है, एजे से बना दूंगा तो एजे की बदनामी होगी ना, एजे पैसेंजर हो गई, बीपीएल पैसेंजर हो गई, ये इससे अच्छी नहीं बनाई जाती, इंटरसिटी हो गई, क्योंकि जाते अच्छी हो जाएगी तो लोग नजर लगा देते हैं, जब चाहो तब रोको, ये आपकी ट्रेन है, सरकार की ट्रेन नहीं है, इसे आप गलती मत कीजिएगा कि सरकार ट्रेन है, टिकट लो या मत लो ये तुम्हारी मर्जी, इस पर चढ़ना है फुल इस्तेमाल कीजिए, है हर चीज आपके लिए पूरा, आदमी का दूर ज्यादा लगता है। हाँ, और इसमें आप जानते हैं बरिया राम जैसे पहुंच गए तो इसमें आदमी कम दिखाई देंगे, दूध का डब्बा और खिड़की पे साइकिल ज्यादा दिखाई देती है, ये बिना टिकट वाले होते हैं, और एक बार टिकट वगैरह कुछ नहीं होती, टीटी पकड़ता है, कहते हैं लो साहेब एक गिलास दूध पियो, ताकत बढ़ेगी, टिकट क्या होता है, तो ये लोग नहीं जानते टिकट, तो आप सब भी टिकट ले लिया करो, सरकारी आइटम है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसमें सब समझ रहे हो, समझ लिया करो अपने हिसाब से, अपनी ट्रेन है वो, मेरी नहीं है, आपकी है, मेरी नहीं है, मैं तो इसमें टिकट लेके बैठता हूँ भाई आपकी ट्रेन में। तो अब अगर मान लो कि इस ट्रेन की लंबाई बहुत ही एक्स है, एक्स मीटर है, ठीक है, और इस कैनल की जो लंबाई है वो वाई मीटर है, मान लो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई जेड मीटर है,
ठीक है बेटा? अरे बोलो हाँ। और इस ट्रेन की लंबाई ए मीटर है। तो अब देखो कहानी समझो, मजा आएगा। अगर ये रेलगाड़ी इस सुरंग को पार करेगी तो चली गई कुल दूरी जो होगी वो इतनी होगी, कितनी? एक्सप्रेस वाई मीटर। ठीक बोलो, हाँ यार समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कैसे होता है? जरा ये देखो, जैसे ये दोनों ट्रेन है, ये दोनों ट्रेन है। अब अगर ट्रेन पार करेगी तो देखो यहां तक तो हुई, अगर कब पार करेगी? इतनी दूरी यहां से शुरू हुई तो इतनी दूरी ये यहां आएगी तो यहां पहुंच जाएगी, इतनी दूरी हुई। और फिर जब इतनी दूरी ये यहां तक पहुंचेगी तभी तो पार होगी। इसका मतलब इतनी दूरी यहां पर और इतनी दूरी यहां पर चलेगी तो एक दूरी इसके बराबर और एक दूरी इसके बराबर, तब जाकर के होगी पूरी पार। और अगर पूरी पार होगी तो चली गई दूरी बराबर क्या होगी? इन दोनों की दूरी आपस में जोड़ लेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा यहां पर ट्रेन की लंबाई और यहां पर सुरंग की लंबाई दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया। ठीक है, अब अगर ये कह दे कि ये रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को पार करेगी तो चली गई कुल दूरी कितनी होगी? कितना चौड़ा प्लेटफार्म है? जेड मीटर। और ट्रेन कितनी चौड़ी है? एक्स मीटर। तो चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस जेड मीटर। बोलो समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ यार, तुम लोग थम्स अप करो, कम से कम जल्दी जल्दी थम्स अप करो, दिखाओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आओ इधर देखो, थम्स अप कर देना, लेकिन इधर देखो मतलब थम्स अप करके देखो। ठीक है, अब देखो इधर ट्रेन एक्स मीटर लंबा है और इस दूसरी ट्रेन को पार करना है, आप वाली ट्रेन को, ये सरकार वाली ट्रेन पार करेगी तो कैसे पार करेगी? इसकी एक्स मीटर लंबाई और इसकी ए मीटर लंबाई, तो कुल कितनी दूरी चलेगी? एक्स प्लस ए मीटर। कुल कहने का मतलब मेरे बड़े बाबू ये था क्या कि अगर कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पुल को सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस रेलगाड़ी जो पार करने वाली रेलगाड़ी है उसके द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी की दूरी के बराबर होगी, या रेलगाड़ी और पुल की लंबाई की कुल दूरी के बराबर होगी, या सुरंग और रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी, या प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? इसे अगर आ गई तो आप लोग इसे एक बार लिखें, जल्दी से एक बार लिख लें, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं। जल्दी जल्दी करिएगा, थोड़ा रेलगाड़ी आप लोग बढ़िया बनाइएगा, मेरी रेलगाड़ी तो थोड़ी अच्छी नहीं बन पाई। ठीक है, अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, ये सब बदलने वाला मैटर आप सब जान रहे हैं, और इसे आप लोग नहीं जानेंगे तो समझ लीजिए बड़ी ही बुराई है आपके अंदर। तो यदि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कल वाला जो लेक्चर था, पिछले दिन वाला जो लेक्चर था, उसे जरूर आप पढ़ें, तब जाकर के मजा आ पाएगा। ठीक है, और नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा, बस फालतू समय आपका बर्बाद होगा। और जो जो बच्चे आते हैं वीडियो को थोड़ा सा देख के भाग जाते हैं, अबे पागलो तुमको नौकरी नहीं चाहिए क्या? हाँ कहे भाग जाते हो यार तुम, अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा ना लगा करे तो कम से कम डिसलाइक तो किया करो, ताकि मुझे शिक्षा मिले कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, गंदा पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं सुधारूं। और तुम लोग ना तो लाइक करते हो ना तो डिसलाइक करते हो, मजा नहीं आता यार, किया करो कुछ ना कुछ। ठीक है, और कमेंट किया करो। देखो अब एक चीज हमने बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, और दूसरी चीज बताया था मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। ये बड़ा मूल मंत्र है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक, दूसरी बात, तीसरी बात यह बताया था कि अगर किलोमीटर है, किलोमीटर है मीटर में बदलना है तो क्या करोगे? और अगर चौथी बात पूछो तो मैं कहूं कि मीटर है और किलोमीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे? तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने कहा था गुणा कर दीजिएगा आप खुलेआम 1000 से, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आपको कहा था कि भाग दे दिया करिए खुलेआम 1000 से। बोलिए इतनी बात सबको पता होगी क्या? बोलो इतनी बात कितने लोगों को पता है, जल्दी से आप लोग मुझे बताएं। इतनी बात सबको पता है, और अगर इतनी बात पता है तो बैठे काहे हो और सवाल लगाते हैं? टाइप नंबर एक, टाइप नंबर एक की सवाल लगाते हैं। सर थोड़ा इसमें स्याही का जुगाड़ कर दीजिए। टाइप नंबर एक
टाइप नंबर एक, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये वाला बड़ा पतला है सर, दीजिए दूसरा, रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो रेल लाइन के बगल लगे एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से इसे किया जाए, इसे जल्दी से कीजिए। बड़ा सरल सवाल है, देखिए क्या कहा कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और पार किसे करना बेटा, खंभे को पार करना है। और हमने कहा था कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की दूरी के बराबर होगी, अर्थात खंभे को पार करने में रेल द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, मतलब अब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। चाल पता है कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेल की लंबाई मतलब भैया दूरी, दूरी कितना पता है, तो 240 मीटर। ठीक है, क्या पता है, 240 मीटर। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में है, तो कैसे काम बनेगा, तो इसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलो, तो ये 72 × 5/18 कर दो, तो 18 × 72 = 4×5 = 20 मीटर पर आ गया सेकंड। ठीक है, अब आपको देखो चाल पता है, दूरी पता है, आपको क्या निकालना है, समय। और आपको मैंने बताया था वही पुराना वाला सवाल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस आपके पास पता है कितना, 240 मीटर, और स्पीड आपको पता है 20 मीटर, तो ये कितना लगेगा भैया, 12 सेकंड का समय लगेगा। बोलिए सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं, ये बात मैं इसी चीज को एक बार फिर से दोहरा देता हूं। क्या कहा कि एक रेलगाड़ी है, कहा पप्पू एक रेलगाड़ी है, और वो रेलगाड़ी किसको पार करती है, रेल लाइन के बगल में लगे हुए खंभे को। हमने कहा कि यदि किसी खंभे को, पेड़ को, या बगल में लगे वृक्ष को, आदमी को अगर वो पार करता है, तो रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी होती है वही उसकी ट्रेन की लंबाई भी होती है, और वही ट्रेन की लंबाई रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी भी होती है, कब, जब उसे वो पार करे। क्लियर है, बात समझ में आई, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई की अपेक्षा उसकी जो लंबाई बड़ी ही नगण्य होती है, अर्थात उसकी जो मोटाई होती है बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको महत्व नहीं देते हैं। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर हमने क्या किया कि हमको समय पता करना था कि कितने समय में पार कर लेगी, और यहां से हमको पता क्या था, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अर्थात ये रेलगाड़ी की लंबाई ही इस पेड़ को पार करने में उसके द्वारा चली गई दूरी होगी, और इसकी चाल पहले से ही दी है, तो आपको चाल पता है, दूरी पता है, और चाल और दूरी को हम पहले उसकी उसके जो मात्रक होते हैं उसे सेम करेंगे, तो ये मीटर में था, तो इसे हमने किससे पहले बदला, मीटर में बदला, तो ये 72 × 5/18 करके मीटर पर सेकंड में बदल लिया, और तब हमने यहां पर देखा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 240 थी, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, हमने कटा दिया, तो कितना उत्तर आया, 12 उत्तर आया। ठीक है, कितना उत्तर आया, 12 उत्तर आया। ये सवाल मैं आपको देता हूं, जरा आप लोग लगाएं।
अभी इसी टाइप की सवाल देता हूं। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो बताइए कि चाल से चलती है तो बताइए कि रेल लाइन के बगल खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में, आप लोग लगाएं इसे, कितने समय में पार कर लेगी, दूसरी सवाल आपके लिए है कि मीटर लंबी एक रेलगाड़ी रेल लाइन के बगल खड़े एक पेड़ को कितने देर में पार कर लेगी, अगर उसकी चाल नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक, ये दो सवाल आपके लिए लिखा हूं, जल्दी से इसे लगाएं, हम सब जल्दी से आंसर लगाएं। जल्दी से लगाएं भैया, चलिए देखते हैं, सवाल लगाते हैं। कह रहे हैं 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो बताइए रेल लाइन के बगल में लगे खड़े खड़े एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। व्यक्ति को पार करना है मतलब रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तो अगर हम डिस्टेंस की आपसे बात करें तो आप डिस्टेंस हमसे कितनी बताओगे, कहोगे सर 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यही इसकी चाल हो, यही इसकी दूरी होगी। स्पीड कितनी दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब तक इसे यहां पर मीटर दिख रहा है ये किलोमीटर वाला काम नहीं करेगा, तो इसे हम 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। 18 छक्का कितना होता है, तो आप कहेंगे 126। सही बात कह रहा हूं, 126 अगर 18 छक्का तो 56 से कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा 18 × 7 = 126, ठीक है, तो 7 × 5 = 35 हो जाएंगे, 35 मीटर पर सेकंड। अब हमसे कह रहे हैं टाइम बताइए, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस कितनी है 280 और स्पीड कितनी है हमारे पास 35, इसे कटाओ तो 5 7 35, 5 5 25, 5 6 30, 7 8 56, कितना सेकंड का समय लगेगा? तो आप कहोगे 8 सेकंड में, ठीक है। तो ये 8 सेकंड में उसको क्या करेगी, पार कर लेगी। दूसरे सवाल में देखिए लिखा गया है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो रेल लाइन के बगल में खड़े एक पेड़ को पार करना चाहती है, और पेड़ को किस स्पीड से पार करती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर वो पेड़ को पार करती है तो भी उसके द्वारा चली गई दूरी 270 मीटर ही होगी, उसकी लंबाई के बराबर ही होगा। तो अगर हम यहां से मेरे भैया डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस कितना है, 270 मीटर है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड हमारी कितनी है, 90 किलोमीटर, और इसमें हम 5 बटा 18 का गुणा कर दें तो 18 5 90, 5 5 25 मीटर पर सेकंड होता है। और आपसे पूछ रहा है टाइम, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपान क्या कर दोगे, स्पीड कर दोगे। डिस्टेंस कितनी है 270 और टाइम स्पीड कितनी है 25, तो 5 से कटाओ 5 5 25, 5 5 25 और यहां से बचा 2 तो 5 4 20, और इसे यहां से कटाओगे तो 5 10 50 और यहां से बचेगा 4 और बटा 5 सेकंड, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। 10 सही 4 बटा 5, या आप इसे कर सकते हो कि 10.8 सेकंड, इसे 5 8 40, ठीक, इतना टाइम लगेगा। अब देखिए इसमें ऐसा भी आ सकता है, ऐसे भी ये सवाल कह सकता है कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर किसी उसके रोड के बगल में खड़े खंभे या व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड लेती है तो उसकी चाल बताइए, ऐसा भी वो कह सकता है। तो यहां से आप उसकी चाल भी बता सकते हो, क्लियर है। यहां से जो भी आपसे पूछेगा आप बता सकते हो, क्लियर है। आइए अब दूसरे टाइप की सवाल हम लोग देखते हैं, इसे आप लोग एक बार लिख लें, जल्दी से लिखें। चलिए बच्चे कह रहे हो गया। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं, जब वो किसी सुरंग को या किसी प्लेटफार्म को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे तो कितना वक्त लगेगा। तो मैंने आपको कहा कि अगर वो किसी ट्रेन को या किसी प्लेटफार्म को या किसी और सुरंग को पार कर रही है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो रेलगाड़ी की और सुरंग की, या रेलगाड़ी की और दूसरी रेलगाड़ी की, उसकी दूरी का जो योग होगा उसके बराबर होती है, क्लियर है। तो ये कैसे हम लोग देखेंगे, आइए यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। टाइप नंबर टू, अरे कहे बढ़िया नहीं चल रहा, ये कम से है बढ़िया, अरे फूल हिल नहीं रहा। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी यदि पुल की लंबाई 430 मीटर हो, 430 मीटर हो। एक सवाल यही और लिखता हूं, 340 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी लंबे पुल को यदि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
रफ्तार से पार करें, पार करें तो बताइए, तो बताइए पार करने में, पार करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, उसे कुल कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। जल्दी जल्दी आप सब बताएं, जल्दी जल्दी बताएं बच्चों, दो सवाल आपके नाम है, जल्दी जल्दी बताएं। जल्दी से बताएं ताकि मैं इस सवाल को और आगे बढ़ाऊं। शायद दीजिए सर, जल्दी से लगाए भाई। चलिए भाई हो गया, देखो कह रहे हैं 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और 430 मीटर लंबे पुल को पार करना है। आप बताओ कुल चली गई दूरी कितनी होगी, कुल चली गई दूरी कितनी होगी। तो हमने कहा अगर कोई लंबाई और कोई ट्रेन जो है वो किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को पार करती है तो दोनों की दूरी को यदि हम, दोनों की लंबाई को यदि हम जोड़ लें तो ये हमारी डिस्टेंस बताती है। ये हमारी क्या बताती है, डिस्टेंस बताती है। मतलब 270 प्लस 430 अगर हम जोड़ेंगे तो ये जो हमारी होगी वो 700 मीटर कुल हमारी क्या होगी, दूरी होगी, होगी कि नहीं। 430 और 70 502 700 मीटर। अब आपको देखें स्पीड, तो स्पीड कहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो दे दिया भैया, लेकिन हमको जरूरत किसमें, मीटर वाले में। तो यहां पर हम गुणा कर देंगे 5/18 का, 18 × 5 = 90, 5 × 5 कितना गया, 25 मीटर पर सेकंड आएगा। बोलो सही है कि नहीं। आपसे क्या पूछा बेटा, कितना समय लेगी, कितना समय लेगी, मतलब आपसे टाइम पूछ रहा है। और टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 700 है और स्पीड कितनी है, 25 है। बस यही कटा दो आपका आंसर, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 2 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 16 सही है। इसे कटाओ, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, तो कितना समय लगेगा, 28 सेकंड का समय लगेगा। बोलो सही, 28 सेकंड का समय लगेगा और ये रेल एक दूसरे को, ये पुल को क्या करेगी, पार कर देगी। ये तो पहली वाली थी। दूसरी देखो क्या कह रहे हैं, 340 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 960 मीटर लंबी एक पुल को पार करना है, तो कुल दूरी कितनी होगी, जरा डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस कितनी होगी, 340 प्लस 960, तो 960 में से 1000 और 300 कितनी होगी, 1300 मीटर होगी, 1300 क्या होगी, मीटर होगी। अब देखो आपकी स्पीड क्या दी है, 180 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन मीटर पर सेकंड में निकालो, तो स्पीड को निकालोगे 180 × 5/18 कर दोगे, 18 दहा के और 10 बचा के 50, 50 मीटर पर सेकंड आ गया। बोलो बेटा सही है यहां तक। अब आपसे पूछ रहे तो बताओ कुल कितना समय लगेगा, आपसे समय पूछ रहे हैं। और आप जानते हो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, डिस्टेंस आपको पता है कितनी है भैया, 1300 मीटर है, स्पीड कितनी है, 50 है, ये इससे कटा दो, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, तो ये आ गया 26 सेकंड का समय, 26 सेकंड का समय लगेगा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो, इतने कम लोग देख रहे हो यार, मजा कम आ रहा है ना, और लोगों को जोड़ो, और लोगों को जोड़ो, जल्दी से कम 20 तो पहुंचाओ। आप लोग इसे 4, 5, 10 देखते रहोगे मजा नहीं आएगा, 20 लोगों को कम से कम जोड़ो, तब जाके कुछ पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगा मेरे भैया। इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं।
जुड़ो जल्दी से, सब लोग एक बार लिंक को शेयर करें, पता है कि लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप करें, इनकरेज करो लोगों को, करें उनके अंदर उत्साह डालो, तब वो पढ़ेंगे बच्चे, है ना। और मित्र का काम होता है, अगर दूसरा मित्र नहीं आगे आ रहा है तो उस मित्र के आगे जाने से क्या फायदा, सभी को साथ में लेके दौड़ो। ठीक है, और आपके एक बार शेयर करने से, एक लोगों को जगाने से हो सकता है कि जमाने में एक नए अधिकारी मिल जाए, ठीक है, नया ऑफिसर मिल जाए, नया कोई व्यक्ति मिल जाए जो सरकार की मदद कर रहा हो। तो आप लोग लोगों को जगाइए, और हमारे मानव होने का कर्तव्य ही ये है कि जब तक दूसरों के अंदर आग ना लगा दे, कुछ करने का जुनून ना भर दे, तब तक मानव होने का क्या फायदा, वैसे तो जानवर भी अच्छे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों एक बार शेयर करो, इसे आप लोग नोट करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके भाई, अब चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं, तीसरी टाइप की सवाल। देखिए, अभी हम लोगों ने खंबा, पोल, ये सब पार करना सीख लिया। अब मान लीजिए सवाल इस तरीके से कहे, टाइप नंबर 3, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन रेलवे लाइन के बगल लगे एक खंभे को एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक, यही आपको एक दो बताना है। एक मैं और लिख देता हूं, एक सौ अस्सी मीटर लंबे एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के बगल खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल बताइए। ये दो सवाल आपके लिए, दोनों अलग तरीका है, थोड़ा सा देखते हैं।
देखा जाए, देखो अब इसकी चाल तो पता है और अब लिया गया समय पता है, बचा दूरी नहीं पता, ठीक है। तो अगर हम रेलगाड़ी की चाल देखें तो स्पीड जो हमें पता है वो स्पीड कितनी पता है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें हम 5 बटा 18 से गुणा करें, 18 दामा 180, 10 पचे 50 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक। और जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है बेटा, यहां से देखो 12 सेकंड का समय लग रहा है, 12 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, दूरी, दूरी मतलब क्या होगी, किसको पार कर रहे, खंभे को पार कर रहे ना, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही तो उसकी दूरी होगी। तो दूरी अब हम सबको निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताइए आप, अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू एस टी होगा कि नहीं, अरे ऐसे समझ लिया करो भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाए इसका, इसमें गुणा कर दो बस बात खत्म। तो अब देखो स्पीड हमारी कितनी पता है बेटा, 50, टाइम कितना पता है 12, तो 12 पंचे 60, 600 मीटर लंबी क्या है आपकी, 600 मीटर लंबी आपकी रेलगाड़ी है, 600 मीटर लंबी रेल है, क्लियर, बोलो समझ में आया ना। दूसरा वाला देखो जरा, दूसरा क्या कह रहे हैं, ट्रेन की लंबाई 120 मीटर लंबी है और वो बगल में खड़े एक व्यक्ति को नो, अब देखो आपको दूरी तो पता हो गई, समय तो पता हो गया, लेकिन अब आपको चाल नहीं पता है। तो आइए निकालते हैं, स्पीड आपको पता नहीं है, डिस्टेंस आपको पता है कितनी 180 मीटर, समय भी आपको पता है, टाइम पता है कितना 9 सेकंड, ठीक है। अब तो सब मीटर और सेकंड में पता है, आपको चाल निकालनी है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कितना बेटा 180 है और टाइम कितना है 9 है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। किलोमीटर में पूछे तो क्या करोगे, 20 गुणे 18 बटा 5, 5 चौका 20, 18 चौका 52 किलोमीटर पर आए, ठीक है, 72 मीटर किलोमीटर पर घंटा। तो ये आपके किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकल गया। तो इस तरीके से भी एक सवाल आपका लगता है, इसे भी आप लोग जल्दी से नोट करें, फिर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करें बच्चों, ताकि एक टाइप और आपको बता दूं, चौथा टाइप आपको बता दूं। देखिए अगले टाइप की सवाल, अभी हम लोगों ने आदमी के संबंध में पूरी चीजें सीखी, अब मान लीजिए ऐसे ही आपको ट्रेन की लंबाई देखो, पुल की लंबाई पूछ ले तो क्या कठिन है, क्या कर लोगे ना आप सब। देखो हम सिखा देते हैं भैया आपको, देखो बच्चे टाइप नंबर 4 है ना भाई, 180 मीटर लंबी, ऐसा क्यों हो रहा है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, हाँ एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 22 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई बताइए, तो पुल की लंबाई बताइए, पुल की लंबाई बताइए, ठीक। एक सवाल मैं और लिख देता हूं, हाँ जी सही हो गया, क्या परेशानी थी इसकी, अच्छा 430 मीटर लंबी
एक सुरंग को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन 10 सेकंड में पार कर जाती है, पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ठीक है, ये दो सवाल आपके सामने लिखे गए हैं, जरा जल्दी से करिएगा। जल्दी से कीजिए। एक सवाल और यहां पर लिखता हूं मैं, जरा देखिए सब नीचे लिखेगा। एक रेलगाड़ी दिख रहा है सर क्या? यहां तक दिखेगा, यहां तक? अच्छा सर, ठीक है, अब सही है। एक रेलगाड़ी अपने समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी को 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 17 सेकंड में पार करती है। रेल की लंबाई बताइए। दो सवाल आपके सामने, जल्दी से आप लोग लिखिए। जल्दी से लगाएं भैया आप लोग। लगा लिए सवाल, बिल्कुल सरल है, कोई ताकत नहीं है सवाल में, आप लोग आराम से लगा सकते हैं। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। चलो सवाल नंबर एक लगाता हूं। रेलगाड़ी की लंबाई पता है 180 मीटर है, और आपको स्पीड पता है, रेलगाड़ी की स्पीड आपको पता है, समय भी पता है आपको, पहले जो जो पता है उसे लिखो। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपको स्पीड पता है, तो इसको 5/18 से गुणा करो, 18 4 72 4 5 20 कर दो, ये 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई। ठीक है, टाइम आपसे पूछ रहे हैं, तो आपके पास टाइम कितना है? 22 सेकंड का है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको रेल की लंबाई प्लस किसकी, पुल की लंबाई होनी चाहिए, तभी जाकर के पूरी दूरी होगी। तो आपको रेल की लंबाई तो पता है 180 मीटर है, लेकिन पुल की लंबाई नहीं पता, हम मन मान लिया x हो गई, समझ में बात। अब तो सब कुछ आपको पता हो गया, तो निकाल लीजिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो क्या करोगे, 20 इक्वल टू डिस्टेंस 180 प्लस x बटा टाइम कितना बेटा, 22। सही है, इसका इसमें गुणा करो, 22 × 44 440 180 प्लस x, इसको इस साइड लाओ तो हो जाएगा 440 माइनस 180 बराबर x, 0 में से 0, 14 में से 8 गए 6, 3 में से गए 2, तो 260 मीटर लंबा क्या है आपका, पुल है। समझ में आई बात, कितना मीटर लंबा आपका पुल है, 260 मीटर लंबा आपका पुल है। तो पुल की लंबाई कितनी आ गई, 260 मीटर लंबी, करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख लीजिए। ऐसे ही आपको अगली सवाल भी लगानी है, मिटाऊं इसे, थोड़ा जल्दी जल्दी करो बच्चा।
देखिए अब दूसरे सवाल आपसे क्या कह रहा है जरा देखें। अब आपको क्या पता है, पहली चीज ये पता है कि आपको 430 मीटर लंबी आपकी क्या है, 430 मीटर लंबी एक सुरंग है। इतनी चीज सुरंग आपको पता हो गई। स्पीड आपको पता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी चीज, ट्रेन कितने देर में पार करती है, तो आप देख रहे हो 10 सेकंड में। किसे पार करती है, ये इतनी मीटर लंबी एक सुरंग है, कौन पार करती है, ट्रेन पार कर, मतलब ट्रेन की लंबाई आपको नहीं पता, ट्रेन की लंबाई आपको निकालना है। चलो हम ट्रेन की लंबाई x मान लेंगे, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 430 प्लस x हो जाएगी। बोलो आया ना, यही जो x है वो ट्रेन की लंबाई है। x क्या है, यही x जो है वो रेल की लंबाई है, रेल की लंबाई है। ठीक है बेटा, ये रेल की आपकी लंबाई है। अब आपको क्या पता है, स्पीड पता है। स्पीड कितनी पता है, जरा देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इसे 5/18 से गुणा कर दे तो 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, और टाइम अगर आपको दिया जाए तो टाइम आप देख रहे हो 10 सेकंड का टाइम पता है, 10 सेकंड का आपको टाइम भी पता। ठीक, आइए लगा देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस आपको कितनी पता होगा भैया, 430 प्लस एक्स। टाइम की अब स्पीड आपको पता ही है, अब टाइम आपको कितना पता है, 10 सेकंड, और स्पीड आपको कितना पता है, 25 आपको पता है। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा आपको टाइम और ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इसको 20 सेकंड कह दो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने कर दिया 20 सेकंड। अब इसका इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 430 प्लस एक्स बराबर 25 × 50, 500। अब इसको इस साइड ले जाओगे तो एक्स की बराबर कितनी आ जाएगी, 500 माइनस कितना, 430, तो एक्स बराबर आ जाएगा 70 मीटर। मतलब ट्रेन बड़ी छोटी सी थी, ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 70 मीटर थी रेल की लंबाई। ठीक, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही कि नहीं। अब आइए अगली वाली सवाल देखते हैं। अगली वाली सवाल थोड़ी सी टेक्निकल है, डरने की बात नहीं है। ठीक, आओ लगाते हैं बेटा भैया। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहे हैं एक रेलगाड़ी अपने समान लंबाई की, अपने समान लंबाई की दूसरी रेल, मतलब दोनों रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कुछ नहीं पता है। तो हमने मान लिया जो डिस्टेंस होगी वो x है, तो दूसरी वाली की भी x है, तो ये x हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x। क्लियर हुई, जितनी लंबाई की पार करने वाली ट्रेन है उतनी ही लंबाई की पार होने वाली ट्रेन है, दोनों है। अब आपको क्या पता है, स्पीड पता है। स्पीड कितनी पता है जरा देखें, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप 144 × 5/18 कर दोगे, बोलिए तो 18 × 144 = 40 मीटर पर सेकंड, सही है, क्लियर है। अब देखो यहां से टाइम आपको दिया कितना, 17 सेकंड, टाइम भी आपको पता है 17 सेकंड लगता है। अब यहां से आपको पता करना है, क्या पता करना है, ट्रेन की लंबाई। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी पता होगा आपको, 40, और डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है तो हमने माना था 2x है। बता टाइम, टाइम कितना बेटा जरा देखो आप, 17 सेकंड है। ठीक है, अब इसे आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसे कटाओगे तो हो जाएगा 20, और 17 × 34, तो x बराबर कितना, 340। मतलब दोनों ट्रेन की लंबाइयां कितनी है, 340 मीटर है। दोनों ट्रेन की लंबाइयां कितनी है, 340 मीटर है। तो ये तो आपका सवाल था, ये बड़े ही बेसिक बेसिक सवाल है, परंतु परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक सवाल है और परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल ये हो सकता है कल आपका रेलगाड़ी भी खत्म हो जाए, कल तो संडे है, कल तो कोई क्लास होगी नहीं, हाँ सैटरडे तक की क्लास होती है, तो कल हो सकेगा आपको कोई स्पेशल क्लास मिलेगी, जैसे उस बार संडे को आपको बोर्डमास मैंने दिया हुआ था, तो इस बार भी आपको हो सकता है बॉर्डमास का एक पार्ट आपको मिला था, प्रभांशु सर पढ़ाए थे, और अगला दूसरा वाला पार्ट हो सकता है वो पढ़ाए, तो दूसरा वाला पार्ट आपको प्रभांशु सर पढ़ा देंगे दो बार में। 1-1.5 घंटे ज्यादा क्लास ले लेते हैं, थोड़ा सा लंबा क्लास ले लेते हैं, आप लोग उसे लंबी देरी तक पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्डमास एक ऐसा चैप्टर जो सभी को जरूरी है, हर एक परीक्षाओं में उसका मान आना चाहिए, हर जगह उसका वैल्यू आपको यूज होती है, उसका आपको टेक्निक सीखना चाहिए, तो उसे आप लोग सीख लीजिए, और बाकी जो चीजें होंगे फिर से मंडे से आपको वैसे ही चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपका रेलगाड़ी मंडे को खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग किसी नए चैप्टर पर काम करेंगे जो और इम्पोर्टेंट होगा, जैसे परसेंटेज, तो हम लोग परसेंटेज पर काम करेंगे। देखो परसेंटेज जो है वो एक अच्छा बेहतरीन चैप्टर है, तो
परसेंटेज थोड़ा आपका लंबा चलेगा, हो सकता है उस समय आपका जो ये एक एक घंटा पढ़ाता हूँ, 50 मिनट 60 मिनट पढ़ाता हूँ या कभी 10-5 मिनट ज्यादा हो जाता है, तो उसमें हो सकता है मैं 1.5 घंटे या 2-2 घंटे का पीरियड आपका ले लूँ, थोड़ा सा पीरियड लंबा हो जाएगा। तो घबराना मत, आप सब जुटे रहना, पढ़ते रहो, जितना अधिक से अधिक पढ़ लोगे उतना अच्छा फायदा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे फिर, कल संडे है, संडे का आप लोग आनंद लीजिए, मिलते हैं आपसे मंडे को, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान देते रहें, पढ़ते रहें। वो देखो एक बात जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, हमेशा जब भी पढ़ने बैठो तो पेपर पेन लेके बैठो। देखो जब आप बहुत अच्छे देख रहे होते हैं लेकिन आंसर 2-4 कर रहे होते हैं, इसका मतलब वो वाकई ग्रुप में 2-4 पढ़ रहे हैं, बाकी तो केवल देख रहे हैं। तो देखना नहीं है बच्चे, आप उसे मोबाइल को रखो, ईयरफोन कान में लगाओ, पेपर पेन अपने साथ रखो और करके आंसर भी क्या करो, जैसे जब हम कर रहे हैं आप आंसर क्या करो, आपका आंसर देखते हैं मुझे खुशी होती है कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात कि आप लोग इसका नोट्स बनाते जाओ। देखो मैं नोट्स नहीं दे पा रहा आपको, प्रैक्टिस सेट वगैरह दे देता हूं, तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। अभी नल टंकी का कोई प्रॉब्लम ऐसा है आया ही नहीं आप सबको कि सब कुछ कर ले गए, मैंने उसमें प्रैक्टिस सेट डाल दी थी, वहां से आप डाउनलोड कर, स्पीड एंड टाइम की प्रैक्टिस सेट डाल दिया हूं, उसे आप लोग चेक कर लीजिए। तीसरी वाली बात जो कह रहा हूं वो आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए, नोट्स अपनी आप खुद बनाइए, तब जाकर के फायदा मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं इतना फुल कॉन्टेंट कहीं नहीं मिल रहा, मैं अपना पूरा फुल कॉन्टेंट आपको दे रहा हूँ, बेहतरीन आपको दे रहा हूँ, मेंस लेवल का भी नहीं दे रहा, मेंस लेवल की बेस्ट है, मेंस लेवल का आपको दूंगा, केवल मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चौथी वाली बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट वाली वो ये कि आप लोग शेयर जरूर किया करें, यदि आप लोग कोई नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करें। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए, सीखते रहिए और अपना ध्यान दीजिए, मिलते हैं आपसे सोमवार को। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।